हे गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉयड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में आपको बोट वेव इलेक्ट्रा जो स्मार्ट वॉच है जो इंडिया में रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है, तो इस स्मार्ट वॉच को मैं कंपेयर करने वाला हूँ डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स के साथ। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों स्मार्ट वॉचेज में क्या क्या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बोट वेव इलेक्ट्रा का। तो इसमें आपको जो है वो डिस्प्ले में 1.81 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है, एंड डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में आपको 1.69 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे बोट वेव इलेक्ट्रा में आपको 515 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है, एंड डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में आपको ये चीज़ नहीं दिया गया है। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको मल्टीपल वॉच फेसेस मिल जाते हैं, दोनों ही में आपको 2.5D का कर्व ग्लास मिलता है। बोट वेव इलेक्ट्रा में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिलता है जो डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में नहीं दिया गया है। बोट वेव इलेक्ट्रा में आपको HD माइक एंड स्पीकर का सपोर्ट मिलता है जो डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में नहीं दिया गया है। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर देखने को मिल जाता है, SPO2 सेंसर मिल जाता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज मिल जाएगा। और यहाँ पे बोट वेव इलेक्ट्रा में आपको 100 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, एंड डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में आपको 110 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको स्टेप ट्रैकर मिल जाता है, कैलोरी ट्रैकर मिल जाता है, दोनों ही में आपको सेडेंट्री रिमाइंडर मिल जाता है। बोट वेव इलेक्ट्रा में आपको 7 डेज का बैटरी बैकअप मिलता है, एंड डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में आपको 10 डेज का। बोट वेव इलेक्ट्रा में आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है जो डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में नहीं दिया गया है। और बोट वेव इलेक्ट्रा में आपको IP68 का वाटर रेजिस्टेंट मिलता है जो डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट मिलता है। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में स्मार्ट नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, वेदर अपडेट, म्यूजिक, कैमरा अपडेट, कंट्रोल, अलार्म, स्टॉप वॉच वगैरह दोनों जो है वो आपको स्मार्ट वॉच में मिल जाते हैं। एंड बोट वेव इलेक्ट्रा में आपको 2 इनबिल्ट गेम्स मिल जाते हैं जो डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में नहीं दिए गए हैं। बोट में आपको 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं, एंड डीजो में आपको 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं। एंड जो प्राइस है वो बोट का प्राइस है 1799 रुपीज़, एंड डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स का प्राइस है 2499 रुपीज़। सो गाइज, यहाँ पे प्राइस जो बोट वेव इलेक्ट्रा का है वो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेल में इसका प्राइस है 1799 रुपीज़, मे बी सेकेंड सेल से इसका भी प्राइस 2500 to 3000 रुपीज़ तक जा सकता है। बट डिफरेंसेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। बोट वेव इलेक्ट्रा में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिलता है, इसमें आपको HD माइक्रोफोन एंड स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, 2 इनबिल्ट गेम्स मिल जाते हैं देखने को इस स्मार्ट वॉच में, और इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है। बट ये चारों चीज़ जो है वो डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में मिसिंग है। तो मेजर फीचर जो मिसिंग है वो है ब्लूटूथ कॉलिंग का। ब्लूटूथ कॉलिंग आजकल जितने भी स्मार्ट वॉचेज आ रहे हैं उन सभी में दिए जा रहे हैं, तो ये जो है वो थोड़ा आउटडेटेड हो जा रहा है। तो अगर आप इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में कंफ्यूज हैं कि कौन सा परचेस किया जाए, तो यहाँ पे बोट वेव इलेक्ट्रा जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देगी और ज़्यादा अच्छे स्पेक्स के साथ जो है वो आई है मार्केट में। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।